हरे कृष्ण। आहार, तो आहार क्या होता है? आहार सिर्फ खाना खाना नहीं होता है, आहार होता है कि हम अपने मन को, अपने बुद्धि को क्या दे रहे हैं। कहते हैं ना हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए सवेरे, तो हेल्दी ब्रेकफास्ट सिर्फ वो नहीं होता कि फ्रूट जूस और फ्रूट्स ले लिया या कुछ खा लिया, स्प्राउट्स ले लिया, लेकिन हेल्दी ब्रेकफास्ट में ये भी आता है कि आपके विचार क्या है, आप इनपुट क्या दे रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र से, गीता के श्लोकों से, या गीता के बारे में सुनने से, पढ़ने से। आप अपने मन को, अपने चेतना को एक बहुत हेल्दी आहार दे रहे हैं। इसके बाद दूसरा चैलेंज आता है कि लेट खाना, लेट सो रहे हैं, लेट खा रहे हैं, रात को चलिए लेट तो खा रहे हैं, लेट हो गया, ज़्यादा खा लेते हैं। अत्याहार प्रयासस्य हमने बताया, तो अत्याहार नहीं होना चाहिए। बेसिकली सूर्यास्त के बाद हमारी जो जठाग्रनी होती है, जो खाना पचाती है, वो धीमी हो जाती है, क्योंकि अब सोने का समय है। जापान के एक वैज्ञानिक को कुछ सालों पहले तो इस पर नोबेल प्राइज मिला। भारतीय संस्कृति से भी अगर आप देखेंगे, आयुर्वेद से भी देखेंगे, तो रात को खाने के लिए मना है। क्यों? आप रात को खाते हैं डिनर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी खाते हैं लोग, फिर आप सो जाते हैं। अब इस खाने को पचाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। जब खाना पचेगा तब एनर्जी बाहर देगा, लेकिन सूर्य की अग्नि है नहीं, हमारे अंदर की अग्नि भी अभी डाउन है, तो जब खाना पचेगा नहीं, पूरी रात में खाना पचता नहीं है, उल्टा वो पचाने का प्रयास करने में बहुत सारा एनर्जी ले लेता है और एनर्जी छोड़ता नहीं कुछ, क्योंकि खाना पचा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, एसिमिलेट नहीं हुआ। तो सवेरे आप उठते हैं तो कैसा लगता है? थका हुआ लगता है, आंखें में एक बर्निंग सेंसेशन होता है। हम बोलते हैं मैंने तो खाना खाया सवेरे, देखिए खाना खाया उससे एनर्जी मिली, सोए उससे एनर्जी मिली, तो सवेरे फ्रेश उठना चाहिए ना। हम क्यों नहीं उठते हैं फ्रेश? क्योंकि जो आप सोने से आपको एनर्जी मिलनी चाहिए थी, बॉडी रिजुनवेट होनी चाहिए थी, वो एनर्जी चली गई खाने को पचाने में, और खाना पचने के बाद जो एनर्जी रिलीज होनी थी वो हुई नहीं, क्योंकि खाना पचा नहीं प्रॉपरली। तो इसीलिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा सोने से पहले खाना खाना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये भी अच्छी बात है, हम 10 बजे खाना खाएंगे, रात को 12 बजे सोएंगे, इसीलिए हमने पहले ही बता दिया टाइम पे सोइए, यानी टाइम पे खाना खाना है। उससे क्या होगा? आपने देखा छोटे बच्चों को, वो तो ज़्यादा खाते नहीं, 1.5-2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा कितना खाता है, लेकिन इतनी एनर्जी, इतनी फुर्ति कैसे आती है? हमको लगता है ज़्यादा खाना खाने से ज़्यादा एनर्जी आएगी, लेकिन ज़्यादा खाना खाने से ज़्यादा एनर्जी नहीं आएगी, जितना रिक्वायर्ड है उतना खाना खाना। श्रील प्रभुपाद बताते हैं शास्त्रों में से, जैसे आप मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपको कुछ जूस बनाना है, मान लीजिए मैंगो जूस बनाना है, तो पूरा आम थोड़ी भर देते हैं, थोड़ा आम भरते हैं, कुछ पानी या दूध डालते हैं, थोड़ा खाली जगह भी रखते हैं ना, तो घूमेगा कैसे? तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है आप उतना खाना खाइए जितना आपका पेट है, उसका 50% खाना डालिए, 25% पानी और 25% खाली छोड़िए, तब तो पचने के लिए उसको मूवमेंट के लिए जगह चाहिए ना। अगर पूरा भर देंगे तो कैसे होगा? सवेरे का बात है, कभी कभी ज़्यादा खा भी लिया तो ठीक है, क्योंकि सूर्य की अग्नि भी है और हम एक्टिविटी करते रहते हैं तो पच जाता है। हालांकि ओवर ईटिंग हमेशा गलत है, लेकिन फिर भी सवेरे चलता है, रात को तो जितना खाते हैं, जितनी भूख है उससे कम ही खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए, तो सवेरे आप फ्रेश उठेंगे। हरे कृष्ण।